आप देख रहे P21 न्यूज। देवबंद के दारुल उलूम में आयोजित श्रद्धावान सांसद में देश भर से लगभग 4000 उलेमानों ने शिरकत की, जिसमें देश भर में आपसी सौहार्द को मजबूत किए जाने पर बल दिया गया तथा देश में अमन का पैगाम पहुंचाए जाने के लिए हिंदू मुस्लिम समाज के 12 सदस्य कमेटी के गठन की शुरुआत की गई, जिसमें मुस्लिम से गैर मुस्लिम लोग शामिल रहेंगे और देश भर में 1000 श्रद्धावान मंच बनाए जाएंगे जो पूरे देश में अमन का पैगाम देंगे। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा ताकि सभी लोग आपसी भेदभाव भुलाकर शांति से मजबूत कर सके। उलेमानों ने कहा कि मदरसे खराब बताकर मुस्लिमों को निशाना बनाना ठीक नहीं, यदि अगर कोई मदरसा खराब है तो उसको ठीक करवाया जाएगा, जिस पर सभी ने अपनी सहमति जताई। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। जहीन साहब से भी मैं दरखास्त है, उनके मंच के सभी लोग आप उनका स्वागत कीजिएगा। एक बार सरजमीन देवबंद के ऊपर इनका इस्तकबाल है। देखिए, जमीयतुल माहिंद के ऑल इंडिया जो गवर्निंग बॉडी है, सेंट्रल कमिटी, उसने तय किया है कि पूरे मुल्क में 1000 सद्भावना मंच बनाए जाए। तो ये काम पूरे मुल्क में शुरू हो चुका, तो ये उसका गालिबन तीसरा मरहला है। अब इसको 1000 के जो टारगेट है वहाँ तक पहुँचाना है। देवबंद चूँकि आलमी मरकज़ है, इंटरनेशनल मरकज़ है, छोटा सा शहर, लेकिन अल्लाह ने कबूल किया, यहाँ के बसने वालों को, यहाँ के लोगों को, उनका दिल बड़ा है, मोहब्बत है। तो इस प्यार के पैगाम को देवबंद से हम देंगे तो उत्तर प्रदेश से पूरे मुल्क और मुल्क से बाहर ये पैगाम जाएगा। इसलिए देवबंद में ये सद्भावना मंच की ज़रूरत है। 12 सदस्य पर एक कमेटी बनेगी जिसमें 50% नॉन मुस्लिम भाई रहेंगे, इज्जत के साथ उनकी जगह रहेगी, इसी तरीके से अपने भाई मुसलमान भी रहेंगे और मिले जुले वहदादार रहेंगे, फ्री होकर काम कर सके ताकि कोई गोलबाल हो, कुछ हो, मिल करके निपट सके, कोई अच्छा पैगाम हो पूरे हिंदुस्तान को, देवबंद को, यूपी को दे सके, ये उसका मकसद है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये पैगाम नहीं है, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी हमारा प्यारा मुल्क है, इसको भेदभाव के जरिए से नुकसान पहुंचाने से हम बचाना चाहते हैं। इसको किसने, देखिए, हिंदुस्तान के दस्तूर में आर्टिकल 29 में घर घर किताब रखने के बारे में वहाँ जमानत दी गई, मजहबी किताब। तो मजहबी किताब रखने की जमानत, पढ़ने पढ़ाने की जमानत दस्तूर में दी गई। मदरसा को बहाना बनाकर मुस्लिम इमेज को ख़राब करने का एक मसला है। अगर मदरसे में ख़राबी है तो उसके सुधार का रास्ता भी हमें सोचना पड़ेगा। कल मीटिंग हो रही है, तकरीबन 4500 मदारिस जो राबिते से जुड़े हुए हैं, हमारे बंगाल में 1000 मदारिस जुड़े हुए हैं। हम आपस के गुफ्तगू में सुधार लाएंगे, लेकिन हमारा घर का सुधार बाहर के आदमी करना चाहिए, नहीं होगा। और उनके ज़ुबान पर भी ब्रेक लगाना चाहिए, बताना चाहिए फला जगह ख़राब है, वहाँ मरम्मत करेंगे, लेकिन तमाम मदारिस ख़राब हैं ये तो पागलपन की बात है, बुद्धूपन की बात है।